आपको महिला बचत गढ़ बनाना है, आप लोग हमारे इन लोगों से मिलिए, मैं आपका महिला बचत गढ़ बना कर दूंगा। आपको अगर कोई रोजगार करना है महिला बचत गढ़ के नाम पर, आपको कोई कारपोरेशन से बेनिफिट होना, आपको कोई सहूलत होना, 2 लाख का प्रपोजल मंजूर करना है, 50,000 का करना है, 2.5 लाख का करना है, सब्सिडी लेना है, तो आप आइए बचत गढ़ को लेकर, बचत गढ़ बनाएंगे हम और आपका प्रपोजल दाखिल करके आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का आपको हम काम करेंगे, ये वादा मैं आज आपसे करता हूँ। मालेगांव शहर की आवाम से, मालेगांव शहर की माँ बहनों से आप लोगों को राब्ता करना है, उनसे मुलाकात करना है और उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल करवाना है और हमारे साथ लेकर उनको चलना है। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, लेकिन ज़रूर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने असेंबली का चुनाव देखा, लड़ा, वोट दिया, वोट दिलाई, जो फैसला होना था वो हो गया, जो फैसला होना था वो हो गया, किसी को जीतना था किसी को हारना था। जब इलेक्शन होता है, मुकाबला होता है, तो एक को हारना पड़ता है, एक को जीतना पड़ता है। लेकिन आप लोग इस बात के गवाह हो, ये शहर इस बात का गवाह है कि जो लोग चुनकर आए, जो लोग एमएलए बने, खास तौर पर मालेगांव शहर के अंदर हमारी माँ बहनों के जज्बात से खेलने का काम किया गया। एनआरसी के नाम पर आप लोगों की वोट ली गई, आप लोगों को घबरा दिया गया, आप लोगों को डरा दिया गया और मजहब के आड़ के अंदर आपसे वोट मांगी गई और आप लोगों ने वोट दिया। ज्यादातर औरतों ने वोट दिया, मां बहनों ने वोट दिया और एमएलए चुनकर आ गए। मेरा सवाल है आप लोगों से, शहर की मां बहनों से मेरा सवाल है, क्या 2 साल के अंदर शहर के एमएलए आप तक आए क्या? या आप कभी उनकी ऑफिस के ऊपर गए क्या? या आपको उनका घर का भी पता आपको पता नहीं होगा, ना उनकी ऑफिस का पता आपको पता नहीं होगा, ना आपको वहां पर हॉस्पिटल का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको आधार कार्ड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको राशन कार्ड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, ना आपको बेवा फंड का कोई लेटर नहीं मिलता होगा, यानी आपके मसाइल आपके घर तक ही है। एमएलए काम करने से एमएलए पूरी तरीके से 2 साल के अंदर नाकाम हो चुके हैं। ये बात का एहसास मैं समझता हूँ पूरे शहर को भी है और हमारे शहर की माँ बहनों को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है। मैं एमएलए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जब 5 साल एमएलए था तो आपकी बेटियों के लिए मैंने किताबें, 5 साल एमएलए रहा तो किताबें मैंने मुफ्तों के अंदर दिया, आपकी बच्चियां पढ़े। मैं एमएलए था तो मैंने आपके लड़कों के लिए किताबें दिया कि आपके बच्चे पढ़े, पढ़ लिख कर कुछ बने, मुफ्तों के अंदर दी जाने लगी। 2 साल से मिली आपको? मैं 5 साल एमएलए रहा, आपके बच्चों का मैंने ख्याल रखा, हमारे लड़के लड़कों लोग का भी, लड़कियों का भी ख्याल रखा। हमारे शहर के अंदर घूमने फिरने की कोई जगह नहीं थी, हमारा शहर गरीब है, हमारी माँ बहने झोपड़पट्टियों में रहती है, हमारे भाई झोपड़पट्टी में रहते, घूमने के लिए जगह नहीं थी। मैंने हिल स्टेशन बनवाया ताकि मेरी माँ बहने वहां पर जाकर छुट्टियों के अंदर वक्त गुजारे अपने बाल बच्चों को ले जाकर। कंप्यूटर मैंने आपके प्राइमरी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर दिया ताकि आपके बच्चे भी कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कंप्यूटर सीख सके। जो हमारी लड़कियां या लड़के 10वीं पास करके आते थे, मेरिट में आते थे, उनको मैंने लैपटॉप देने का काम किया, कंप्यूटर देने का काम किया।
जो 12वीं के अंदर हमारी लड़कियां या लड़के टॉप आते थे उनको मैंने लैपटॉप देने का काम किया। 12,000 तकरीबन कई हमारी माँ बहनों का वजीफा बंद हो चुका था, हमारी बेवा बहनों का वजीफा बंद हो चुका था, हमारी बुजुर्ग माँ का वजीफा बंद हो चुका था। वापस मैं एमएलए बना और उसके बाद मैंने 12,000 प्रकरण जो नामंजूर हो चुके थे उसको मंजूर करने का काम किया। आपको वजीफा मिल रहा है, बेवा फंड मिल रहा है। ये मेरे अपने वक्त के मैंने बहुत सारे काम किया। उर्दू घर बनाया ताकि हमारे तलबा तलबात हमारी बच्चे बच्चियां वहां पर अपना तालीम हासिल करे, वहां पर कोई प्रोग्राम कर सके, उनका टैलेंट पेश कर सके, तहजीब जिंदा रहे। ये तमाम ही चीजें मैंने आपके लिए शहर के लिए मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन में हार गया। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2 साल पहले लाखों की तादाद के अंदर आप सड़कों के ऊपर आए, ट्रिपल तिलाक के नाम पर आए, एनआरसी के नाम पर आप लोग को सड़क के ऊपर, हम भी निकले आपके साथ, मोर्चा हम लोगों ने निकाला, पूरा शहर पूरी माँ बहने एक जगह जमा हुई, ट्रिपल तिलाक के नाम पर हमने मोर्चा निकाला मरकजी हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ में। एनआरसी जब नरेंद्र मोदी ने लगाया तो जब भी हम रास्ते के ऊपर निकले, और आज भी एनआरसी लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी कई रियासत की हमारी माँ बहने मुसलमान भाई परेशान है, दलित भाई परेशान है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो हुकूमत चल रही है, जो वजीर आला उद्धव ठाकरे साहब जो शिवसेना के हैं, उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार साहब है, कांग्रेस पार्टी है, ये 3 पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र की हुकूमत बनाई। उसके अंदर MIM या शहर के MLA या धुलिए के MLA उसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह वादा की शिवसेना से कि हम आपको वजीर आला बना रहे, मुख्यमंत्री आपको बना रहे, लेकिन आप इस महाराष्ट्र के अंदर NRC नहीं लागू करेंगे। और ये 2 साल हो गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर NRC लागू हुई, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर शिवसेना से वादा लिया है कि हम आपको वजीर आला बना रहे, हम आपको मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र का बना रहे, आप यहां पर NRC लागू नहीं करेंगे। 2 साल हो गए NRC लागू नहीं हुई, यह राष्ट्रवादी की देन। अगर ऐसी हुकूमत चलती रही तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएंगी, कोई मुसलमान या हमारी माँ बहनों को मुसीबत नहीं उठाना पड़ेगी, कोई काले कानून हमारे खिलाफ नहीं बना पाएगी मोदी हुकूमत। लेकिन अगर पिछली मर्तबा 2014 के अंदर जब मैं चुन कर आया और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की वोट का जो बंटवारा होता है वो MIM के 2 भाई हैदराबाद से आकर जज्बाती तकरीर करते हैं और मुसलमानों की वोट बांट देते हैं और BJP को फायदा पहुंचाने का काम वो लोग करते हैं। उन्होंने 2014 में भी इस महाराष्ट्र के अंदर किया और 2019 के अंदर भी इस महाराष्ट्र के अंदर किया, और इसके लिए BJP आज इक्तदार के अंदर मरकज के अंदर बैठी हुई। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगी।